कार में रखा 5 लाख रुपयों से भरा बैग लेकर फरार बदमाश। खबर शहर के वीर सावरकर पार्क के पास से आ रही है। यहां पर बदमाशों ने ट्रांसपोर्टर व्यवसायी की कार से 5 लाख रुपयों से भरा बैग उड़ा दिया। जानकारी के अनुसार ट्रांसपोर्टर शुक्ला व राकेश खर्च वाले कार से जा रहे थे, तभी वीर सावरकर पार्क के बाद कुछ लोगों ने कार को रोका और कहा कि ऑयल गिर रहा है। इस पर कार में सवार दोनों लोग उतरे और बोनट खोलकर देखा। इसी दौरान बदमाशों ने कार में रखा 5 लाख रुपयों से भरा बैग निकाला और भाग गए। जब बैग गायब मिला तो उनके होश उड़ गए। मामले की सूचना पुलिस को दी गई है। और अपने हीरो टाल्स वाले हैं ना, जो अपने अपना फसाओ के वो कॉलोनी है, वो सावरकर कॉलोनी के आगे। हाँ, वहाँ पे ना गाड़ी खड़ी करी बस, और आप सीधे बैग रखा था मेरा 5 लाख रुपए का, और सीधा बस 5 मिनट के अंदर वो बैग भाग अंदर से बोलो दो आदमी आए। कैसे कोई का लड़का आया, बोलो आगे गाड़ी में से आयल आ रहा है कहीं, मैं उसको देखने आया नीचे, और उसके बाद अंदर गाड़ी में पहुंचा और बैग बोल। पैसा लेके मैं कहीं बाजार में मार्केट में जाने जा रहा था किसी को, तो अपने अपना हमारा ट्रकों का काम है, ट्रांसपोर्ट का काम है, मित्र रोला के नाम से लोगों को देने पड़ते हैं, कार वालों को, डीजल वालों को, सबको, इसलिए वहाँ से मैं घर से निकला था। चलो, तो वो आदमी आपके पहले से पीछा कर रहा था ऐसा कुछ आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कितनी एज होगी लगभग उसकी? एज 30-35 साल होगी। कैश 5 लाख रुपये? हाँ, 5 लाख। ये राकेश गुप्ता जी हैं जो नवाबसा रोड पे रहते हैं और मित्तल ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक हैं। आज उन्हें अपने ड्राइवरों को और गाड़ी मालिकों, गाड़ी के जो अन्य लोग हैं उनको पेमेंट करना था, कुछ पेट्रोल पंप का भी पेमेंट करना था। 5 लाख रुपए लेके अपने बैग में रख के कार से निकले थे, और कार से फतेहपुर रोड से आते हुए उन्होंने झांसी तिराहे के आगे कल्ला पान वाले के पास कार रोकी, वहाँ किसी व्यक्ति के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी एक लड़का आया और उसने खिड़की में ये बोला कि साहब आपकी गाड़ी में से ऑयल लीक हो रहा है। ये उतर के देखने लगे, फिर उन्होंने बोनट खोला, बोनट खोल के चेक करते रहे। जब वापस ही अपनी गाड़ी में आके बैठे और पीछे देखा तो बैग गायब था। 5 लाख रुपये कोई अज्ञात व्यक्ति चोरी करके चला गया है। हम लोग CCTV फुटेज देख रहे हैं, प्रकरण पंजीकृत कर रहे हैं। जी अभी एक ही आदमी उनके सामने आया था जिसने ये बताया था कि आपकी गाड़ी में से इंजन ऑयल लीक हो रहा है, इसके अलावा उन्होंने किसी को नहीं देखा। सर, ऐसा सुनने में आ रहा है कि कोई घर से पीछे करते हुए गया है। वो जानकारी ले रहे हैं हम, कौन पीछे लगा।